ये वही चील पक्षी है जिसको हम लोगों ने रेस्क्यू किया, और रेस्क्यू करने के बाद इसको काफी देर तक जो है हमारे पास रखा, इसको पिंजरे में काफी देर, यानी कम से कम इसको 1-2-3 दिन रखा, और उड़ने को इसको प्रॉब्लम आ रहा था, और रखने के बाद इसको हम लोगों ने काफी चिकन खिलाया, क्योंकि आपको जिस तरह जानते हैं कि ये मांसाहारी है, और ये उठचं तिकडे कॉपर पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, कसे काय। तो दोस्तों, आज हमारे खास मित्र हमारे साथ है, जाने माने सर्प मित्र श्री राजू कदम सर। तो आपने सोचा होगा कि मैंने शुरुआत में एक पंछी का जो है गाना क्यों गाया, तो उसकी एक वजह है। तो वजह यह है कि अभी 31 दिसंबर जो है काफ़ी लोगों ने धूमधाम से मनाया, और इतना इतना धूमधाम से मनाया कि उसके अंदर कितनी सारी जिंदगियां जो है वो तबाह भी हो गई, कितने सारे लोगों को इसमें तकलीफ भी हुई, कितने पशु पक्षी जानवर है इनको भी तकलीफ हुई, लेकिन मजे के अंदर कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए, भले किसी की जान जाए भाई। बराबर है, तो ऐसा लोगों का मानना है। तो आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों बात कर रहा हूँ, तो वाकया ऐसा है कि 31 दिसंबर को सबसे पहले तो हमको एक ऐसा कॉल आया था कि जहाँ पे लोगों ने बताया कि एक जो कुत्ता था, एक कुत्ते के दुम पर किसी ने पटाखे बांधे थे, और नए नए साल की जो है खुशी का सेलिब्रेशन कर रहे थे, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि वो उन्होंने ठीक से बांधा नहीं, शायद वो धागा लूज हो गया और वो उसकी पूंछ से छूट गया, तो वो बच गया। और उसके एक आधे घंटे के बाद हमको फिर एक कॉल आया, और ये आया मेरे घर के नज़दीक से एरिया से, खड़की करके एरिया है, जहाँ पे हमको एक सूचना मिली कि एक पक्षी जो है वो हमको घायल अवस्था में मिला है, शायद कुछ लोग वहाँ पर कुछ पटाखे कुछ आकाशबाजी कुछ कर रहे थे, जहाँ पे रॉकेट वगैरह कुछ उड़ा रहे थे, तो शायद उसमें से एक जो है रॉकेट शायद इस चील को लगा है, जो चील जो पक्षी होता है ईगल, तो ये इसको लगा है। तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी से आइए और इसको रेस्क्यू कीजिए, क्योंकि इसे उड़ने का प्रॉब्लम हो रहा है, और हो सकता है शायद इसको कोई जानवर मार ना दे। और इत्तेफाक की बात है कि कदम सर, हम लोग जो है स्टूडियो पर बैठे हुए थे, और हम लोग वहाँ पे खिड़की पे पहुँचे, और जब हमने जाके देखा तो हालत थोड़ी सी मतलब नाजुक थी, यानी एक्चुअली क्या हुआ, उसको ऊपरी जो मार है वो नहीं लगी उसको ज़्यादा, लेकिन उसको एक झटका लगा जिसकी वजह से वो पक्षी जो सहम गया, और इसकी वजह से उसको तकलीफ होने लगी और वो उड़ नहीं रहा था, और एक मुर्दा अवस्था में जो वो वहाँ पे गिर गया। तो जब ये सूचना मिलने के बाद हम लोग वहाँ पे मौके पे पहुँचे, और मौके पे देखने के बाद कदम सर ने कहा कि इसको इसके लिए एक पिंजरा का हमको लगेगा, क्योंकि इसको हाथ में लेकर हम लोग 4-5 किलोमीटर का जो सफ़र वो तय नहीं कर सकते। तो मैं वहाँ पे रुका, कदम सर वहाँ से फिर वहाँ से कम तकरीबन 1-7 किलोमीटर दूर फिर अपने घर पे गए, और वहाँ से एक पिंजरा लेकर फिर वापस मेरे पास आए। उसके बाद हमने उस पिंजरे के अंदर उस पक्षी को जो है, उस चील पक्षी को जो है हम लोगों ने रेस्क्यू किया। मैं पहले उसको दिखाता हूँ, और दिखाने के बाद कुछ बातें हैं जो हम कदम सर भी आपको बताएंगे, और मैं भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह आप जानते हैं कि जनवरी का महीना है, संक्रांत का महीना है, और संक्रांत के महीने में आपको पता पतंगबाजी जो है काफ़ी जोरों पे होती है, फिर वही घूम फिर के हमको उसी पर आना पड़ता है। हर बार हम लोग बताते हैं कि जो ये पतंग का जो मांझा होता है, ये जो नायलॉन मांझा चाइनीज मांझा, इसके ऊपर बंदी डालो, लेकिन सरकार को जो है कान पे जूं नहीं रेंग रही। और मुझे लगता है कि शायद जब आधा हिंदुस्तान जब खत्म हो जाएगा गले से कट के, शायद उसके बाद ही हमारे जो नेता है वो शायद जागे, ऐसा मुझे लगता है। बराबर है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर गंभीर विचार करना है। अभी हाल ही में मैंने फेसबुक पे देखा, अभी कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ जहाँ पे एक 12 साल का लड़का जो है स्कूटी गाड़ी पे जा रहा था, और उसके गले पे जो है वो मांझा लग गया, लेकिन जैसे उसको महसूस हुआ उसने गाड़ी को ब्रेक मारा, लेकिन यहाँ पे उसको कट गया। उसकी किस्मत अच्छी थी, अगर वो तेज रफ्तार से गया होता
तो उसका धड़ आगे गाड़ी के साथ निकल जाता है और उसका जो जो गर्दन है वो वहीं की वहीं रह जाती। तो ये सब और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं उस पक्षी को आपको दिखाना चाहूँगा, ईगल। ये वही चील पक्षी है जिसको हम लोगों ने रेस्क्यू किया, और रेस्क्यू करने के बाद इसको काफ़ी देर तक जो है हमारे पास रखा, इसको पिंजरे में काफ़ी देर, यानी कम से कम इसको एक दो तीन दिन रखा, और उड़ने को इसको प्रॉब्लम आ रहा था। और रखने के बाद इसको हम लोगों ने काफ़ी चिकन खिलाया, क्योंकि आपको जिस तरह जानते हैं कि ये मांसाहारी है और ये रोटी सब्जी नहीं खाता, और इसको हम लोगों ने चिकन वगैरह खिलाया और ग्लूकोज का पानी वगैरह दिया। और तो हमको ऐसा लग रहा है कि शायद अब ये उड़ने के लिए तैयार है, तो हम लोग कोशिश करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे एक नदी के पास एरिया में आए हैं और इसको उड़ाने की कोशिश करेंगे। अगर ये उड़ेगा तो ठीक है, अगर नहीं उड़ा तो इसको फिर से हम लोग हमारे पास रखेंगे, और रखने के बाद थोड़ा सा फिर इसका थोड़ा सा डॉक्टर के पास दिखा के थोड़ा सा जायजा लेंगे कि आखिर ये माजरा क्या है। तो क्योंकि दो तीन बार इसने अपने पंखों को काफ़ी फड़फड़ाया था, तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि ये उड़ता या नहीं उड़ता। तो हाँ, कोशिश करेंगे इसको उड़ाने की, और अगर ये सही सलामत उड़ गया तो ठीक है, नहीं तो उसको वापस से हम लोग अपने पास रखेंगे। और हो सकता है शायद डॉक्टर के पास अगर लेके जाना पड़ा तो एक बार इसको लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि एक्चुअली मतलब माजरा क्या है, क्योंकि ऐसा हमको लग रहा था कि शायद ये उड़ने को अभी तैयार है। दो तीन बार इसने पंखों को फड़फड़ाया और कुछ हमको ऐसे इशारे दिए जिससे हमको पता चल रहा था कि शायद ये उड़ने के लिए अभी अपनी उड़ान भरने के लिए जो है ये अभी तैयार है। और फिर से आपको बता देता हूँ, चील पक्षी जिसको हम लोग ईगल के नाम से जानते हैं, काफ़ी तेज़ नज़र वाला पक्षी है, काफ़ी ऊंचाई के ऊपर ये उड़ने वाला पक्षी, और एकदम नीचे जो छोटे छोटे जो इसके जो शिकार है ये उसको पहचान लेता है, और तुरंत जो है उस पर हमला बोलकर अपना जो है शिकार को अपने पंजों में दबोच लेता है। तो ना देर करते हुए हम लोग इसको जल्दी से उड़ाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ये उड़ता है कि नहीं। वाकई में थोड़ा पीछे जाए, दो तीन स्टार्ट। पंखा टूट गया जा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसको हमने दो बार उड़ाने की कोशिश की लेकिन ये उड़ने के लिए तैयार नहीं है, और यहाँ पे हरकतें तो अच्छी दिखा रहा है लेकिन शायद कुछ पंख में दिक्कत हो सकती है इसकी, तो इसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा कि उड़ाने के बावजूद भी ये अपनी उड़ान नहीं भर रहा, और शायद अंदरूनी इसको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि इतने दिन से तो हमको लग रहा था वो ठीक ठाक है, अभी इसको हम लोगों ने फिर से पिंजरे के अंदर रख दिया, आप देख सकते हो ये। और ये थोड़ा सा क्या होता है, लेट जाता है नीचे, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद बीच बीच में पंख फड़फड़ाता है और फिर शांत बैठ जाता है, तो हमको लगा शायद ये उड़ेगा। और क्योंकि फिलहाल ये बच्चा भी नहीं है, ये पूरा बड़ा है, और इसको हम लोग क्या करेंगे अभी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, और डॉक्टर क्या कहते हैं, उनकी क्या राय इसके बारे में, और फिर आपको जो है अगली वीडियो में हम इसके बारे में बताएंगे।